चुनावी मुकाबला खत्म हो गया है। चुनाव के दौरान अपना कोई बयान न देने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अब राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, यानी राम मंदिर बनेगा, इसको लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ। शहनवाज जी, राम मंदिर को लेकर संघ प्रमुख ने बयान दिया है, कैसे देखती है बीजेपी? उन्होंने कहा है कि राम का काम होगा, तो जो राम राज है, जो अच्छा शासन है, सुशासन है, वही तो राम का काम। और मैं मानता हूँ कि यहाँ तक राम मंदिर का आपने प्रश्न पूछा, तो राम मंदिर तो मामला अदालत में जल्द से जल्द उसका निदान होगा, ऐसी अपेक्षा है। और इस बीच चुनाव से पहले हमने देखा है राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की पहल हुई थी और साधु संतों ने अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को, और उसको लेकर भी ये सवाल पूछे गए थे। जब सरकार थी तब पहल नहीं हुई, जब चुनाव आ रहे थे तब पहल होने की कोशिश हुई, जबकि मामला अदालत में है। अदालत में फैसले से पहले ही ये कोशिश की जा रही थी कि राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाया जाए या फिर कोई दूसरे प्रावधान किए जाए। देखिए, इस पर प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं पहले, अदालत का रास्ता उसके बाद का कोई और रास्ता है, तभी अदालत के रास्ते का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही जब संघ प्रमुख ये बयान देते हैं, राम मंदिर को लेकर बयान देते हैं, उम्मीदें बना देते हैं वो, आपको लगता है इस बार उम्मीदें पूरी होंगी? उम्मीद तो पूरी होने के लिए होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अदालत के फैसले से होगी? अब अदालत में मामला है, जल्द से जल्द फैसला आएगा, ऐसी अपेक्षा है। बीजेपी अब राम मंदिर के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी? नहीं, हमने ना कभी बढ़ाया है ना कभी घटाया है, ये देश का एजेंडा है और देश के लोगों की उम्मीद पूरी होगी। धन्यवाद बात करने के लिए। और राम मंदिर को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, और इसको लेकर बीजेपी भी उम्मीदें जता रही है कि जल्द इसका समाधान निकलेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, कोटा न्यूज़, दिल्ली।